हेलो फ्रांस, कैसे हैं आप? बढ़िया। अवार्ड फंक्शन देखने की हर किसी की इच्छा होती है, क्योंकि उसमें आपके स्टार पूरे जो हैं अपनी तरफ से फुल स्टाइल में आते हैं। टीवी पे तो आप वही स्टारों को देखते हैं जिन्हें डायरेक्टर जिस तरह सजाते हैं, लेकिन अवार्ड में हर कोई अपने लुक को लेकर चर्चाओं में होता है। क्यों नहीं होगा भाई, अवार्ड फंक्शन पूरा वर्ल्ड देखता है। तो ऐसे में अगर बड़े अवार्ड की बात करें, बड़ी साइट की बात करें, तो उनके अवार्ड का हर कोई हिस्सा बनना चाहता है। तो कल ही एक अवार्ड और हुआ है जो कि बड़ी साइट का है, IWM बुज का, जिन्होंने जो है काफ़ी रंगीन तरीके से अवार्ड फंक्शन को दिखाया है। अगर हम बात करें इंडिया बिगेस्ट OTT एंड एंटरटेनमेंट अवार्ड 2024 का, चलिए तो बात करते हैं विनर लिस्ट की। टीवी सितारों से लेकर बॉलीवुड तक किस किस के हाथों में लगी है ट्रॉफी और कौन कौन अवार्ड फंक्शन में लगा है भाई दमदार। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपके प्यारे से मोस्ट पॉपुलर डिजिटल मीडिया स्टार में, फीमेल में मनीषा रानी को मिला है। भाई मनीषा रानी सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा छाई रहती हैं, ऐसे में जो है अवार्ड जो है उनके हाथ गया है। बात आती है मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया स्टार मेल में, शिव ठाकरे को गया है। भाई इन दोनों को वैसे आप बिग बॉस में देख चुके हैं, बाकी जो है कई इवेंट में भी ये लोग नज़र आते हैं। बेस्ट सेंसेशन ऑफ द ईयर प्रियंका झांझर चौधरी को मिला है, जो कि काफ़ी गॉर्जियस लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी जल परी को देख रही हूँ। बात आती है मोस्ट स्टाइलिश पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, तेजस्वी प्रकाश को मिला है। जहाँ पर तेजस्वी प्रकाश भी काफ़ी सुंदर लग रही थी, लेकिन जो उनकी गाउन का जो बड़ा सा लेंस का कपड़ा था वो थोड़ा सा उन्हें खुद उठाकर जो है चलना पड़ा। शायद उनके साथ जो उनकी ड्रेस को संभालने वाली आए थे वो वहाँ पर नज़र नहीं आई, लेकिन इस सादगी को देखकर फैंस ने उन्हें बहुत प्यार दिया। अब बात आती है आपके प्यारे से मोस्ट स्टाइलिश पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, वो भी आपकी अर्चना गौतम को गया है। भाई अर्चना गौतम को एक नहीं दो दो अवार्ड लेकर गई है, और क्या पता लिस्ट में आगे भी नाम हो। फिर आते हैं मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया स्टार खान जादी को मिला है। भाई इन दिनों खान जादी सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि मैडम को मकान नहीं मिल रहा है अपनी कास्ट को लेकर। आउटस्टैंडिंग होस्ट ऑफ ईयर, जिसने सबसे प्यारा होस्ट किया है रियलिटी शो में, वो कोई और नहीं करण कुंद्रा है। टेम्पटेशन आइलैंड के लिए मिला है। अगर आपने उनका देखा होगा, मोनी रॉय भी साथ में नज़र आई थी, लेकिन यहाँ पे करण कुंद्रा अवार्ड लेकर गए हैं बेस्ट होस्ट के लिए। मोस्ट पॉपुलर डिजिटल मीडिया स्टार मेल में अविनाश तिवारी को मिला है। बात आती है बेस्ट एक्टर मेल इन बाप सीरीज, अविनाश तिवारी को मिला है 4 खाके द बिहारी चैप्टर के लिए। बेस्ट एक्टर फीमेल में बाप सीरीज में किसे मिला है? मनीषा रानी को मिला है भाई 4 जो है आपके चारुलता के लिए। बात आती है आपके 3 अवार्ड लेकर चली गई मनीषा रानी, वाह वाह। बेस्ट एक्टर मेल में नेगेटिव रोल में करण सिंह ग्रोवर को मिला है 4-3 देव के लिए, देव 3 आई थी उसके लिए। अब बात आती है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स में किसको मिला है मेल में, तो भाई शिव ठाकरे को मिला है मुंबई डायरीज में। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर में फीमेल में खान जादी को मिला है आश्यम के लिए। बात आती है बेस्ट डायरेक्टर बाप सीरीज में किसको मिला है, रोहित राज को मिला है 4 खाके द बिहार चैप्टर में। बेस्ट राइटर बाप सीरीज में किसको मिला है, भाई बेस्ट राइटर बाप सीरीज में मिला है संदीप नाजिम को 4 आश्यम के लिए। बात आती है आपकी बेस्ट ओरिजिनल साउंड ट्रैक वाप सीरीज में किसको मिला है, मुंबई डायरीज को मिला है। भैया हम जो है देखकर ही बता रहे हैं, वरना तो आप सोचेंगे मैडम की नज़र उधर क्यों है। अब जब देख के बताएंगे, जब ही बताएंगे लिस्ट हमें किसने दी है उसका नाम भी हम आपको बताएंगे, उसके नाम की चर्चाएँ कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं।
अब बात आती है आपकी बेस्ट नोन फंक्शन ओरिजिनल वाप सीरीज में किसको मिला है? द जर्नी सो फार को मिला है। बेस्ट एक्टर इन वाप सीरीज ड्रामा में किसको मिला है? अभिषेक बच्चन को मिला है और ब्रिट इन द शैडो सीजन 2 के लिए। बात आती है बेस्ट एक्ट्रेस इन वाप सीरीज में ड्रामा में, तृप्ति तारा धूमल G5 में जो आई थी उनको मिला है। बात आती है आपके प्यारे से बेस्ट एक्टर इन द वाप सीरीज कॉमेडी में, तो आपके ध्रुव सिंगल को मिला है मिस मैच सीजन 2 के लिए। बेस्ट एक्टर इन वाप सीरीज कॉमेडीज में मिला है प्रिया बनर्जी को, द ग्रेट वेडिंग ऑफ मूनस। फिर आता है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर इन वाप सीरीज में किसको मिला है? बेस्ट सपोर्टिंग वाप सीरीज में आपके प्यारे जो है मिला है प्यारे से गौरव प्रेशर रॉकेट बॉय में। बात आती है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स इन वाप सीरीज में मिला है आशीष विद्यार्थी जयपुर जोए। अब बात आती है बेस्ट वाप सीरीज ड्रामा रॉकेट बॉय को मिला है बेस्ट वाप सीरीज कॉमेडी द ग्रेट वेडिंग ऑफ मोनस। बेस्ट ओरिजिनल फिल्म किसको मिला है ओटीटी में, जो बेस्ट फिल्म आई है झलसा को मिला है। फिर आते हैं बेस्ट एक्टर इन डिजिटल फिल्म, अभिषेक बच्चन को मिला है 10वीं में, 10वीं क्लास थी ना जहाँ पे वो एक जाट थे, फिर जेल जाते हैं, फिर 10वीं पास करते हैं, जहाँ पे वो कहती है कि 10वीं पास कर लो तुम्हें मैं जेल से रिहा करा दूंगी। अब वो कहता है मैं इतना बड़ा नेता 10वीं करूँगा? अरे भैया जो है काफ़ी अच्छी मूवी थी। बात आती है आपके प्यारे से बेस्ट एक्टर्स इन डिजिटल फिल्म में विद्या बालन को मिला है झलसा के लिए। बेस्ट शॉर्ट फिल्म में आपके जो है ग्रे को मिला है। बेस्ट ओरिजिनल साउंडट्रैक इन वाप सीरीज मॉडर्न लव मुंबई को मिला है। बेस्ट ओरिजिनल साउंडट्रैक इन अ डिजिटल फिल्म कोयला को मिला है। बात आती है आपका सबसे प्यारा सा कि जो है हीना खान को जो है आपकी ओटीटी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। तो ये थी आपकी विनर लिस्ट, और ये विनर लिस्ट हमको दी है मिहिर ने, जो हमारी लाइव में अधिकतर डेली आते ही हैं और जो है काफ़ी गुजरात की न्यूज़ भी देते रहते हैं। ही इज़ अ बेस्ट पर्सन, थैंक यू मिहिर, दिल से थैंक यू। तो जिन्होंने अवार्ड फंक्शन की पूरी लिस्ट सुनी है तो प्लीज़ मिहिर को थैंक यू ज़रूर बनता है। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।